गाइस, मैंने आपको शॉर्ट में बताया था कि मैं एक लॉन्ग वीडियो बना के आपको बताऊंगा। तो यही मेरे दोस्त हैं इमरान भाई, जो कि ये कतर में आए हैं शटडाउन वीज़ा में और कई बार आ चुके हैं, पूरे जीसीसी में ये जा चुके हैं। लेकिन इनके बारे में हम जानना चाहेंगे कि आखिर कैसे आते हैं इतनी बार बार और इतनी अच्छी सैलरी में कैसे आते जाते हैं। तो आप बताइए, अभी कहाँ कहाँ गए हैं, कौन कौन सी कंट्री में गए हैं भाई? अभी मतलब ओमान, अबू धाबी, कतर, कुवैत, मतलब लगभग सऊदी छोड़ के सब। ओके, ठीक है, इतना जगह गए तो आपको कैसे कांटेक्ट मिलता है कंपनियों से, आपको कैसे चले जाते हैं डायरेक्ट? अभी तो कंपनी से डायरेक्ट हो जाता है लिंक, अभी ऐसा लिंक हो चुका है अल्हम्दुलिल्लाह कि हो जाता है। वो डायरेक्ट कंपनी मैसेज आपको करता है? हाँ, डायरेक्ट वो शटडाउन आने से पहले वो कॉल कर देती है कि हाँ, हमारा ये शटडाउन है, इतने दिन का प्रोग्राम है, आपको आप फ्री है तो आप आ जाइए, आपका ये सैलरी, ये सारा पैकेज सब कुछ समझा देता है। लेकिन अगर कोई फ्रेशर है जिसको शटडाउन में आना है पहली बार, तो हमारे व्यूअर को देख के बताओ, तो शटडाउन में अगर किसी को पहली बार आना है जो फ्रेशर है बिल्कुल इस लाइन में, जैसे मैं ऑयल एंड गैस से हूँ, अगर किसी को पहली बार आना है तो उसके लिए मुंबई के अंदर मतलब बहुत अच्छी अच्छी कंसल्टेंसीज है। कुछ नाम बताओ जो जो हमारे जो लोग देख रहे हैं जा सके। जैसे HR डायनेमिक्स है, ठीक है, फिर आपका शीला कंसल्टेंसी है, फिर आपका घी वाला है, ठीक है, और नाम सुना है मैंने भी, हाँ, फिर जेरी वर्गीस है। ये कुछ रेपुटेटेड कंपनियां हैं, मतलब जो रिक्रूट करती है अपने मतलब मैन पावर का। किसी भी शटडाउन के लिए करती है, नॉर्मल के लिए भी करती है? ये हर तरह का करते हैं। देखिए क्या है ना, शटडाउन जो है वो पूरे साल नहीं चलता है। अब क्योंकि आप लोगों को पता है गल्फ का मौसम कैसा होता है, बहुत गर्मी होती है, यहाँ पर काम करना आसान नहीं होता, तो शटडाउन का ना एक सीजन होता है। ये शटडाउन हमेशा आपका अगस्त के बाद, मतलब ये आप अगस्त पकड़ सकते हैं, अगस्त से लेके रमज़ान यानी मार्च, इतने दिन तक का ये एक सीज़न होता है शटडाउन का। तो शटडाउन जब भी होता है बस इतने सीज़न में, क्योंकि उस वक्त थोड़ा क्लाइमेट नॉर्मल हो जाता है, बंदा लोग आराम से काम कर पाता है, क्योंकि हम लोग जहाँ प्लांट में काम करते हैं प्लांट ऑलरेडी बहुत गर्म होता है, वहाँ तक जा भी नहीं सकता, वो पहले से हीट रहता है, ऊपर से ऊपर का हीट, तो काम करना आसान नहीं है, इसलिए ऐसा मौसम चुना जाता है शटडाउन। देखिए गाइस, इन्होंने बता दिया सारा डिटेल्स, तो आपको भी ऐसे ही शटडाउन या नॉर्मल परमानेंट वीज़ा में आना है तो मुंबई से, हमको जहाँ तक मेरी नॉलेज है, हमारे और भी दोस्त हैं जो लोग यूपी बिहार से जाते हैं, उनके जो कंपनी वाले चार्ज भी लेते हैं कैटेगरी, वो ज़्यादा पैसे लेते हैं मुंबई से, या जो राजस्थान वगैरह गुजरात वगैरह से जाते हैं वहाँ से कम पैसे में जाते हैं, इवन कि कुछ लोग फ्री भी आते हैं। हमने इसी जगह पे कई लोगों से मिले हैं, यहाँ पर असलाबान के अंदर आए 3cc में, वो लोग फ्री भी आए हुए हैं। हाँ, तो शटडाउन का जो जितना भी ज्यादा रिक्रूटमेंट होता है वो फ्री होता है, उसके लिए कोई पैसा नहीं, चाहे वो आप होल वाचर, सैलरी भी होती है, चाहे आप वो होल वाचर में आए, फायर वाचर में आए, फैब्रिकेटर, फिटर, वेल्डर, सुपरवाइजर, आप फोरमैन, किसी में भी आए, शटडाउन का ज़्यादातर जो है वो फ्री रिक्रूटमेंट होता है, उसके लिए कोई एजेंसी पैसा चार्ज नहीं करती है। अगर पैसा इनकेस आपसे कोई चार्ज करता है सिवाय मेडिकल के, मेडिकल आपको खुद का अपना कराना पड़ेगा, अगर आपसे कोई एजेंसी पैसा चार्ज करती है तो आप आके यहाँ पर जहाँ भी जा रहे हैं आप वहाँ जाके HR को कंप्लेन कर सकते हैं, वो आपका पैसा वापस करेगी, रिफंड करेगी। और गाइज, मैं भी आपको बता दूँ कि शटडाउन वीज़ा की जो वैलिडिटी होती है मैक्सिमम वो 9 मंथ होती है। हाँ, वो 3 मंथ नॉर्मली, 3 मंथ, 6 मंथ, 9 मंथ मैक्सिमम, लेकिन 3 मंथ होती है। कुछ लोग 6 मंथ के लिए आते हैं, कुछ लोग 9 मंथ के लिए आते हैं, इतने ही मतलब डेज के लिए, इतने मंथ के लिए ही नॉर्मल शटडाउन वीज़ा होते हैं। शटडाउन में काम थोड़ा ज़्यादा होता हैवी होता है, लेकिन ये कि सैलरी भी आपकी अच्छी खासी होती है। जैसे हमारे भाई एक महीने के लगभग 16 प्रो मैक्स 5-6 आईफोन खरीद सकते हैं, इतनी इनकी एक महीने की सैलरी है। ये कह रहे हैं हमारी सैलरी डिस्क्लोज ना करो, तो मैंने ये बता दिया, आप कमेंट करके बताओ कि एक्सपेक्टेड सैलरी कितनी होगी। अगर जिसकी भी एक्सपेक्टेड सैलरी सही होगी उनको मैं कुछ ना कुछ गिव अवे करूँगा, या आप इंडिया में जाकर उनसे मिलना और उनको वो कंसल्टेंसी के बारे में बताना, या अपने साथ कोशिश करना लेकर आने का। कोई भी कमेंट करके आप पूछ सकते हैं कि कोई कौन सा कंपनी है, आपको कमेंट में या आपको लिंक दे दिया जाएगा जितनी भी सारी जो रेपुटेटेड कंपनियां हैं। और मैं कोशिश करता हूं कि जो आपने एड्रेस बताया है, कंसल्टेंसी बताया है, वो मैं इनके स्क्रीन पे आपको दिखाऊंगा, उसके स्क्रीनशॉट, वो उनका नाम डाल देने से वो आप गूगल कर लेना, आपको सारा पूरा एड्रेस मिल जाएगा, सारे मुंबई के अंदर है, सारे मुंबई के अंदर है। तो गाइज, ऐसी और वीडियो जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को शेयर कर देना, बाकी कुछ क्वेश्चन होगा तो आप पूछ सकते हैं।